my passion was in going to army. It was my dead heart passion कि मुझे army ही join करनी है. या तो मैं NEET से करती FMC के through कि NEET clear होता तो फिर FMC में जाती उसके through. या फिर मुझे better option मिल गया, मुझे NEET के comparatively मेहनत नहीं करनी पड़ी. मतलब मेहनत तो करी है मैंने obviously, but उतनी ज़्यादा नहीं थी. और फिर ये मतलब है कि स्टार चाहिए थे. आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि नीट एग्जाम से आसान है एमएनएस एग्जाम को क्रैक करना. यस सर, डेफिनेटली मेरे लिए तो था. जय हिंद टू ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स. आज फिर से हम एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हैं, और आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 108 एंड सी इज नन अदर देन महिमा शुक्ला. एंड महिमा शुक्ला इज फ्रॉम कानपुर. Yes, sir. I'm from Kanpur. You're from Kanpur, and Mahima has secured All India Rank 8. Not only she has performed well in written examination, but also simultaneously she practiced hard and made proper strategy for her interview preparation. Finally, she has grabbed All India Rank 108. Welcome to Mahima Shukla. Mahima, give your introduction and say hi to all MNS aspirants, those who are watching this video, and share your success strategy. And ये भी बताइए अपने family background के बारे में, बताइए कि आपका family background क्या है और आपने पहली बार MNS के बारे में कैसे पता चला था आपको. Hello everyone, and I'm Mahima Shukla from Kanpur. In my family, my father is a government employee and my mother is a housewife. I'm from a very middle class family. And मुझे MNS exam के बारे में मेरे cousin से पता चला था, जो कि उस time पे navy में थे. And now he's a retired veteran and currently serving in PNB. So मुझे अपने family member से पता चला था MNS के बारे में, और मैंने ये exam अभी first time दिया था and I've cracked it. Yes, Mahima, very great news that in the first attempt you have cleared examination. So Mahima, आपने जैसे ही MNS के बारे में पता चला, तो how you made your strategy for written examination? तीन subject होते हैं, GK, English, majorly तीन subject होते हैं, GK, English and Science. तो आपने कैसे अपनी strategy बनाई कि मुझे कैसे इस exam में अच्छा score करना है? Okay sir, आज मैं नीट की एक स्टूडेंट थी, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे लिए साइंस वाला पोर्शन बहुत इजी था कंपैरेटिवली टू जीके एंड इंग्लिश. और जीके मेरे लिए लिटिल टफ थी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रहा था. तो एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने वही कुछ 2-3 मंथ्स बे के करंट अफेयर्स पढ़े हुए थे, और सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के ऐप पे उस पे यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है स्टैटिक जीके की, तो मैंने वो फॉलो करी थी स्टैटिक जीके के लिए. और कुछ टाइम पहले से करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवा रहे थे यूट्यूब पे, मैंने वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया था. और सेम मैंने इंग्लिश के लिए भी किया था. एज सच मैंने इंग्लिश कुछ पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से इंग्लिश में स्ट्रांग थी, तो उसमें मुझे काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. बट मैंने लास्ट की क्लासेस नहीं लीव की थी, मैंने सारी क्लासेस अटेंड की थी. ओके महिमा, ग्रेट. एंड सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में मॉक टेस्ट आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी. यस सर. मॉक टेस्ट बिकॉज आप ऑनलाइन स्टूडेंट थे, बिकॉज आपके पास और भी हर्डल्स थे, आप ऑफलाइन नहीं आ पाए, मॉक टेस्ट से आपने कैसे अपने एग्जाम स्कोर को अप किया? सर मॉक टेस्ट मैंने रेगुलर बेसिस पे दिए थे, तो मैं जो क्वेश्चंस मुझसे रॉन्ग होते थे या जो मुझे इंग्लिश में बेसिकली जो मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो वोकैबुलरी होती थी, मैं उस पर फोकस करती थी मॉक टेस्ट पे. तो दैट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि वो वोकैब आई, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे निकल गए, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला मॉक टेस्ट से. ओके जितने भी एमएनएस एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको और भी सक्सेस स्टोरीज जो इस बार सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने मोर देन 30 स्टूडेंट्स जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के, चाहे वो ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हों या ऑफलाइन मीडियम से रहे हों, उन्होंने मेरिट में अपने झंडे गाड़े और टॉप रैंकर्स सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने फिर से एक बार डिलीवर किया. एंड वी आर सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस. तो महिमा शुक्ला, आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में, और हम आपसे ये भी जानेंगे कि आपने 9th से 12th तक की जो पढ़ाई है वो कैसे करी, एंड उसमें फैमिली में कौन कौन आपके है, और एमएनएस एग्जाम की और नीट की जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको क्या हर्डल्स फेस हुए, बिकॉज आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और
सर मैंने अपनी जो 9 टू 12th वाली एजुकेशन थी वो दिल्ली पब्लिक स्कूल बर्रा कानपुर से की हुई है. तो मेरे घर पे मतलब ऑलमोस्ट ऐसा माहौल रहता था, मेरी मदर जो एक हाउसवाइफ है शी हैज ऑलवेज मेड श्योर कि हम पढ़ें, जो हम तीनों भाई बहन हैं शी हैज ऑलवेज मेड श्योर कि हम लोग पढ़ें और अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो. लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है तो शी हैज मेड कि उनकी बेटियाँ अच्छी जगह पे होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए. तो माय मदर हैज हेल्प मी अ लॉट एंड शी इज द बेसिक मोटिवेशन फॉर मी. तो बाकी ऐसे कोई स्पेशल हर्डल्स नहीं थे, हाँ बस ये था कि नीट और एमएनएस में एक बैलेंस बना के चलना था मुझे कि नीट पे भी फोकस करना था, एमएनएस पे भी करना था. तो मैंने बेसिकली टाइम डिवाइड कर रखा था, मैं सुबह उठती थी तो एमएनएस पे फोकस करती थी और एग्जाम जब एमएनएस का एग्जाम आया था नीट से कुछ टाइम पहले तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एमएनएस पे फोकस किया था कि मेरा एटलीस्ट वो क्लियर होना चाहिए. फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने वो कर लिया था. आपने ये बताया कि आपने नीट से ज्यादा एमएनएस एग्जाम पे फोकस किया. यस सर, बेसिकली मेरा मोटिवेशन. अभी आप व्यूअर्स को ये बताइए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आपने नीट से ज्यादा प्रायोरिटी एमएनएस को दिया, अभी आपने ऐसा बोला, तो ये व्यूअर्स भी इसी बीच में रहते हैं यार, नीट भी दें या एमएनएस दें क्या करें, कंफ्यूजन रहता है. तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि मुझे नीट से ज्यादा एमएनएस के लिए तैयारी करनी है और सक्सेसफुली आपने टॉप रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक 18 मतलब definitely you are going to get a join of MNS very good college you are going to join. So ये decision making कैसे बनाई आपने NEET और MNS के बीच की? सर एक्चुअली मैंने जब 12th किया था तो मेरे घर पे कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड में नहीं था, जो कजिन है वो इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था हमारा उनसे, तो मुझे काफी लेट पता चला है मैंने इसके बारे में. और अगर आपने बायो ली हुई है तो फिर तो नीट तो देना ही है आपको, वो तो पक्का ही है. तो फिर वही था कि नीट के बारे में पहले से पता था, एमएनएस के बारे में इतना ज्यादा मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, एज इफ कि अब यूट्यूब पे आप लोगों ने इतना ज्यादा मतलब इंटरेक्शन किया हुआ है तो आप लोग जान गए हैं. बट मेरे टाइम पे जब मैंने 12th किया था एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता था. तो फिर नीट के साथ और जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो सपना था आर्मी में जाने का, तो वो स्टार्स वाली जॉब. इसलिए फिर जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया कि ये हो जाएगा तो मुझे एक श्योरिटी हो जाएगी लाइफ की. तो अगर आपका ये पैशन है कि आपको आर्मी में जाना है तो फिर ये बहुत अच्छी जॉब है. इसीलिए मैंने फिर नीट पे थोड़ा कम फोकस करके एमएनएस पे किया, मेरा इजिली हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हर्डल्स फेस करने नहीं पड़े. बट हाँ, आपको अगर डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, किसी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. यस महिमा, अभी आगे चलते हैं. जब आपने इंटरव्यू के लिए गए तो इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस कैसा था और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी आप क्या थी? सर इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी मैंने एज सच कुछ प्रैक्टिस तो नहीं किया था क्योंकि 13th को नीट का एग्ज़ाम था 12th को और 17th को मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे कानपुर टू दिल्ली ट्रैवल भी करना था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी. बट दो जो इंटरव्यूअर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा लाइट मूड में थे, जैसे ही मैं एंटर की तो बहुत ही लाइटली मूड था उनका. उन्होंने मुझसे एकेडमिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे एज कम्पेयर टू पर्सनल, तो बहुत सारे क्वेश्चन अराउंड 10 to 11 क्वेश्चन मुझसे बायो के पूछे थे, एक केमिस्ट्री, एक ओके सर. सर उन्होंने मुझसे बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड फ्रॉम पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स, एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, किडनी के फंक्शंस बताइए, फिर आए थे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है. ऐसा 2-3 क्वेश्चंस बायो के और थे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट बायो के उन्होंने मुझसे 10 to 11 क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने सारे आंसर किए थे, केमिस्ट्री फिजिक्स मैंने सारे आंसर्स किए थे. उसके बाद उन्होंने मुझसे जो एक एमएनएस मैम थी उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और मुझसे मेरे स्पेक्स के पावर पूछे थे वहाँ पे कि आपको स्पेक्स लगे हो तो आपके पावर बताइए क्या क्या है. और फिर एक सर थे जो साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका रोल मॉडल कौन है. मैंने मेजर सोनाली घोषाल के बारे में सुना हुआ था, मेजर जनरल सोनाली घोषाल के बारे में, और एक डॉक्टर माधुरी हैं, शी इज द 3rd वुमेन इन द आर्मी दोज हैव गॉट द रैंक ऑफ मेजर जनरल. तो मुझे उन दोनों के नाम याद थे और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी तो मैंने उनके नाम लिए. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे कौन से उनके एक्शंस हैं जिनसे आप इंस्पायर हुई हैं कि आप उन्हें रोल मॉडल मानती हैं. तो मैंने उनसे बोल दिया सर मैंने इतना ज़्यादा गूगल उनके बारे में नहीं किया है लेकिन मैं घर जाके कर लूँगी. तो उन्होंने बोला ओके फाइन. फिर एक और मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि टंग में जो जितने भी मतलब टेस्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेट है वो बताइए. तो दैट आई आंसर्ड. उसके बाद फिर द इंटरव्यू वाज ओवर. और जब इंटरव्यू ओवर हो रहा था तो मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझसे रोक के पूछा कि व्हाट इज योर हाइट.
मैम मेडिकल में इट वॉज 156 सेंटीमीटर एंड दैट कैप्टन सर सेट की मतलब कट ऑफ तुम्हारा क्लियर हो गया हाइट का. ओके सेंचुरी डिफेंस एकेडमी स्टूडेंट ऐप के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या रिव्यू देंगे? साइट वॉज गुड, मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था. मैंने टेस्ट सीरीज ही ली थी, बाकी तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन जो टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस था इट वॉज क्वाइट गुड. और जो वहाँ के बेसिकली जो मेंटर्स हैं, जो वहाँ पे टीम है, दैट इज रेडी टू हेल्प यू. मैंने उनको रात में भी फोन किया कि मैम मेरा ऐप नहीं चल रहा, प्लीज चला दीजिए, ये OTP नहीं आ रहा है. तो इट वॉज वेरी गुड. ओके सो महिमा, ये जो टिप्स आप देना चाहते हैं रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के लिए, जो भी आप टिप्स देना चाहते हैं जो भी MNS एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज हमारे जो MNS एस्पिरेंट्स हैं वो रात में सोते नहीं हैं बिना इंटरव्यू वाले वीडियोस देखे हुए, सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के जो चैनल्स पे आते हैं. तो डेफिनेटली बहुत मैं भी देखी थी. आप भी देखते थे आपने? अच्छा हाँ हाँ, अच्छा सवाल याद आया मुझे, आपने इंटरव्यू जाने से पहले कितने मॉक इंटरव्यूज, जो फाइनल इंटरव्यूज पर आए, वो कितने थे? सर आपने जितने इंटरव्यूज डाले थे मैंने देखे थे. एक दैट गर्ल हु केम फ्रॉम दिल्ली, वो आई थी, आपने उससे पूछा था कि लखनऊ में तुमने कौन कौन सी चीजें एक्सप्लोर की है, और जो आपके क्लासेस के इंटरव्यूज थे वो मैंने सारे देखे थे. एक मधु थी, उसके इंटरव्यू मैंने देखा था. तो महिमा, ये आप अभी आगे चलते हैं इस इंटरव्यू में, और महिमा आप ये बताइए कि आप MNS को ज्वाइन करने जा रहे हैं, बिकॉज आपने नीट से ज्यादा प्रायोरिटी MNS को दे दिया और फाइनली ज्वाइन करने जा रहे हैं, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल प्लान इन योर लाइफ? सर माई पैशन वॉज गोइंग टू आर्मी, इट वॉज माई डेड हार्ट पैशन कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है. या तो मैं नीट से करती FMC के थ्रू, कि नीट क्लियर होता तो फिर FMC में जाती उसके थ्रू, या फिर मुझे बेटर ऑप्शन मिल गया, मुझे नीट के कंपेरेटिवली मेहनत नहीं करनी पड़ी. मतलब मेहनत तो करी है मैंने ऑब्वियसली, बट उतनी ज्यादा नहीं थी. और फिर ये मतलब है कि स्टार चाहिए थे. आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि नीट एग्जाम से आसान है MNS एग्जाम को क्रैक करना? यस सर डेफिनेटली, मेरे लिए तो था. समझ रहे हैं आप सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, देखिए ये ऑल इंडिया रैंक 8 लेके जा रही है और ये कह रही है नीट एग्जाम सबसे MNS आसान है, MNS पे आ जाओ अभी से. इसने वही काम किया, इसने अपनी नीट से ज्यादा सिक्योर जॉब है, बिकॉज नीट करने के बाद आप MBBS करने के बाद 5 ईयर की आपको सिर्फ डिग्री मिलेगी, उसके बाद यू हैव टू अगेन सेट फॉर द PG एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस के लिए भी आपको अपना क्लिनिक खोलना पड़ेगा. तो मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए ये सिक्योर है बिल्कुल, कि 4 साल पढ़ना है उसके बाद फिर आपकी जॉब है, हाई बेपेस है, बेस पे है, उसके बाद स्टार्स वाली जॉब है. तो सब कुछ उससे कंपैरेटिवली मुझे तो अच्छा ही लगा था. And this is not only job, this is job oriented course, because not only yes, you are getting BSc nursing course and professional skills you will be developing, but also you are getting secured career option, secured rank structure, uniform, organization, and definitely you will upgrade the social status of your family, your society. Isn't it, Mahima? जब पहली बार lieutenant para uniform में जाएंगे तो माहौल तो अलग बनेगा. Sir, I can't express it. I can't imagine it now. Okay. So, मम्मी को बताया? मम्मी की बिटिया लखनऊ क्वालिफाई हो गई ऐसा? Yes, sir. And I've got Lucknow Command Hospital. Oh, अब तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में मिठाई लेके मतलब महिमा आएगी, राइट? Yes, sir. Definitely. And आपको सीनियर्स भी मिलेंगे हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आपके सीनियर बैच में होंगे. तो डेफिनेटली आप लखनऊ में, वेलकम टू लखनऊ सिटी ऑफ नवाब, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, तो डेफिनेटली आप आइएगा और एक्सप्लोर करिएगा. और डेफिनेटली जब भी आपको वीकेंड में बुकआउट मिले वहाँ से तो आप डेफिनेटली विजिट करके सेंचुरी डिफेंस एकेडमी जरूर आइएगा. तो महिमा अभी आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया है? सर कॉल लेटर अभी नहीं आया है, बिकॉज वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है. उन्होंने मुझे मेल किया है कि यू हैव गॉट दिस लेटर, यू हैव गॉट कमांड हॉस्पिटल लखनऊ एंड योर कॉल लेटर विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ओके तो चलिए महिमा, ये लास्ट में जाते जाते आप जो यूपी के ये फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज आपको पता चल गया होगा अभी NDA भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई है जिसमें फीमेल ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने देखा बहुत सारे फीमेल एस्पिरेंट आ रहे हैं,
मतलब आप जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी 11th 12th क्लास में फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि डिफेंस ऑप्शन आपने चुना और फाइनली आपने ग्रैब कर लिया, तो उनको आईआईटी की तरफ या नीट की तरफ जाना चाहिए या एनडीए या एमएनएस अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए? सर, अगर किसी को बहुत ही फ्यूचर मतलब सिक्योर करना है ऐसा, तो आई डेफिनेटली से कि आप एनडीए और एमएनएस की तरफ फोकस करें, क्योंकि आपको मतलब ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है एंड आपको भी मिल सकती है. आर्मी को, आर्मी वो एक अर्न करना है आपको, कि आर्मी एंड एमएनएस एंड एनडीए वो आपको नॉर्मल लाइफ नहीं देगा, आपसे सबसे हट के लाइफ मिलेगी, एक ऐसी जिंदगी जो आप मतलब सिर्फ देख ही सकते हैं. अभी आपको, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी जब मैं देखती थी वीडियोस. तो डेफिनेटली आपको बेटर ऑप्शन है, बेटर करियर ऑप्शन देन आईआईटी एंड नीट, क्योंकि मेहनत भी कम है और रिजल्ट्स भी ज़्यादा है. एनडीए तो आई कांट से अबाउट इट, क्योंकि मैंने उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर अभी किया नहीं है, ना ही देखा है. बट एमएनएस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आई कैन गारंटी दैट. यूपी में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और बोला जाता है एक ऐसा प्रदेश जहां से ऑफिसर काडर में बच्चे कम निकलते हैं. जब हम डेटा और स्टेटिस्टिक्स को जाते हैं तो देखते हैं एनडीए में भी इस बार जो सबसे ज्यादा ऑफिसर्स बने हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी का हर बार एक बड़ा रोल रहता है. तो मुझे पहले ये बताइए कि आपकी कॉलोनी से और आपकी फैमिली से कोई ऑफिसर काडर पे फौज में है? नो सर, इवन मेरे स्कूल से भी नहीं है. जब मेरे स्कूल टीचर्स को पता चला कि मुझे ऑफिसर लेवल की जॉब मिल गई, तो दे वर सरप्राइज्ड. एक सर ने कॉल करके बोला कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो एयरफोर्स में हुए थे, बट कोई भी ऑफिसर लेवल पे नहीं पहुंचा था. तो मतलब मैं फर्स्ट हूँ ऐसी जो अपनी फैमिली से या स्कूल से ऑफिसर लेवल पे पहुंची हूँ. और सर, मुझे एक बात और एड ऑन करनी थी कि जो आप वीडियोस डालते थे, इवन आर्मी वाले भी डालते थे, टीईएस वाले भी डालते थे, एनडीए वाले भी डालते थे, जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते थे, मैं तो वो भी देखती थी. मुझे इतना ज्यादा इंस्पायरिंग लगता था वो कि मैं वो भी देख लेती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको देखने. तो आप सिंपल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को कब से फॉलो कर रहे हैं? सर, लास्ट वन ईयर से. लास्ट वन ईयर से फॉलो कर रहे हैं, और मन तो बहुत के एडमिशन करा लें, एडमिशन करा लें, बट समय की मजबूरी थी. ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन से ही आपने काम चलाया. और फाइनली यूट्यूब देखिए, आप व्यूअर्स सभी आप ये देख सकते हैं कि एक यूट्यूब स्टूडेंट जो जिसने यूट्यूब से केवल मोटिवेशन गेन किया, यूट्यूब के सक्सेस स्टोरीज देखा और वहां से मोटिवेशन गेन करके आज ऑल इंडिया रैंक 108. और महिमा शुक्ला सिर्फ ये एमएनएस की वीडियो नहीं देखती थी, ये एनडीए की बता रही है ना, अभी बता रही है कि टीईएस के भी सक्सेस स्टोरीज देखती थी. तो देखिए कि महिमा ने सिर्फ यूट्यूब के कंटेंट से यूटिलाइज करके कैसे एक अच्छी रैंक सिक्योर करी है. और सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी को मिठाई तो खिलाई नहीं है, तो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे यूट्यूब चैनल के बारे में? मतलब आप गुरकीरत मैम की वीडियोस तो देख ही रहे हैं, तो वो है नहीं भी आपसे सामने बात नहीं कर रहे हैं. और जो भी कॉन्टेंट लोग एक्सपर्ट्स बनाते हैं, चाहे वो हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर्स हो, जो भी आपने उनकी वीडियोस भी देखे हैं, तो उनके बारे में आप उनको क्या बोलना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? सर, अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं 5 out of 5 की रेटिंग दे दूं यूट्यूब को, मतलब आपकी क्लासेस को. लास्ट वाली क्लासेस वर वेरी बेनिफिट, वेरी बेनिफिट. मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने नहीं किया वो मेरी गलती थी. जो मतलब मेरे रिटन में 116 मार्क्स थे, मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरा रिटर्न का रिजल्ट आया था कि मैं और अच्छा कर सकती थी अगर मैंने और ज़्यादा फोकस किया होता, बट इट वॉज ओके. लेकिन जो लास्ट की क्लासेस थी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी. तो गाइज, जो भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, प्लीज़ फोकस ऑन दैट. मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे सजेशन मांगा था, तो मैंने उसको सजेस्ट किया हुआ है कि लास्ट की क्लासेस मत छोड़ना. ओके ओके ओके, ठीक है. महिमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड यू हैव शेयर्ड वेरी वैल्यूएबल टिप्स टू ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स अक्रॉस इंडिया. चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जहाँ से हमारे स्टूडेंट्स नहीं आते. तो कहीं ना कहीं सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी एक मिनी इंडिया है जहाँ पे हर स्टेट के बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम फीमेल हूँ, हम फीमेल हैं, तो क्या हुआ, हम मेल से कम नहीं है, हम डेफिनेटली अपनी अच्छी रैंक सिक्योर करके आर्म फोर्सेज में, जहाँ पे एक फॉर्निंग इशू चल रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जब मेल कर सकते हैं अच्छा तो फीमेल क्यों नहीं कर सकते. तो एनडीए में भी अभी फीमेल को एंट्री मिल गई है, और एमएनएस में
हमारे स्टूडेंट्स हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने झंडे गाड़े, जिसमें से एक महीने छुट्टियां भी हैं। ये हमारे यूट्यूब की स्टूडेंट रही हैं पिछले एक साल से, और इन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज से बेहतरीन तैयारी करी है और इन्होंने मोटिवेशन लिया है। महिमा, इस अपने टिप्स को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के बिहाफ पे मैं आपको आगे आने वाले टेन्योर के लिए और आपके प्रोग्रेसिव करियर के लिए आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आपके सभी फैमिली मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्पेशली टू योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सर। जय हिंद एंड थैंक यू। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। हमेशा की तरह टीम सेंचुरियन ने फिर से रचा इतिहास। MNS 2021 में क्रिएट किए टॉप रैंकर्स और माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का दिया आप सभी को तोहफा। आप भी बन सकते हैं इन माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का हिस्सा, लिख सकते हैं अपनी कामयाबी की दास्तां हमारे साथ में। आज ही कॉल करें और बने MNS 2022 के टॉप रैंकर। अपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।